सबसे पहले कॉरिडोर नंबर 1 में हमारे पास RSI ब्लॉक लगा हुआ है और इसका जो हमारा स्विच है HVSI ये बॉटम साइड लगा हुआ है। कॉरिडोर नंबर 1 से हमें MVRH देखने को मिल रहा है और यहाँ पर उसके साथ ही QVRH लगा हुआ है जो हमारी रिले है QVRH। ये हमारा कॉरिडोर नंबर 1 है और अब हम ST1 कंपार्टमेंट में एंटर करेंगे। एंटर करते ही सबसे पहले हमें MVSL1 देखने को मिलेगा। पर हम देख सकते हैं HQOP1 लगा हुआ है। देन हम उसके नीचे देखते हैं J1 रिवर्सर हमारा लगा हुआ है और उसके नीचे हमारे पास CTF1 लगा हुआ है। CTF1 को शेड में ट्रैक्शन साइड बांध रखते हैं और यहाँ पर हमें CTF के इलेक्ट्रो वाल्व देखने को मिलते हैं और यहाँ पर J1 के इलेक्ट्रो वाल्व ये लगे हुए हैं। देन हम इस तरफ देख रहे हैं लाइन कॉन्टैक्टर्स L1, L2, L3 और उसके साथ ये शंटिंग कॉन्टैक्टर्स लगे हुए हैं S21, S22, S23, S31, S32 और यहाँ पे ऊपर शंटिंग रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ये नीचे हम SJ देख रहे हैं और यहाँ पे हमारा न्यूमेटिक सप्लाई को काटने के लिए फोर्स लगा हुआ है। करते ही हमें सबसे पहले MVSL1 देखने को मिलेगा। देन हम GR का ड्रम देख सकते हैं, GR ऑयल लेवल गेज देख सकते हैं जिसका ऑयल लेवल प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, GR का सिलिका जेल और PHGR पंप ऑफ GR। ये हमारा GR सेफ्टी वाल्व है एंड दिस इज CGR 1, 2, 3। देन हम RGR को देखते हैं और जो हमारा RPGR वो हमें GR के बिलो देखने को मिलेगा ग्रीन कलर का। ये हमारा VCB हो गया। MVRH लगा हुआ है, जब हमें MVRH की वर्किंग चेक करनी है तो हम किसी रुमाल या पेपर के थ्रू जाली के साथ अटैच करेंगे तो वो अंदर की तरह सक करेगा तो हमें MVRH की वर्किंग जो है मालूम होगी। सबसे पहले हम ऑटोमेटिक सप्लाई को काटने के लिए फोर्स देखते हैं। आ जाएगा HQOP2, देन हमारा J2
programs, then CTF to जो ट्रैक्शन साइड बांध रखा है एंड CTF 2 के इलेक्ट्रो वाल्व, हमारे पास लाइन कॉन्टैक्टर्स L4, L5, L6 एंड उसके साथ शंटिंग कॉन्टैक्टर्स, और उसके अबव हमें शंटिंग रेजिस्टेंसेस देखने को मिलेंगे, और नीचे S, J और यहाँ पे न्यूमैटिक सप्लाई को काटने का कोई मिलेगा, और ये हमारा MVSI और ये होगी QVSI, और इसके अबव जो है हमारा RSI 2 ब्लॉक लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा CTF 3 जो हमारा BA 3 पैनल के अंदर है, और यहाँ पे CTF 3 के इलेक्ट्रो वाल्व, और दिस इज C 145 कॉन्टैक्टर,